तो प्लीज अपना दिमाग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट और कोप्चे में भैया बात नहीं करेगा तो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 15 हाँ 15 जो है कह रहा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है ये है आपकी भैया 3×10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम ये क्या है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है उसके बाद क्या रहा है फर्स्ट व्हाट इज द फ्लक्स पहला पार्ट क्या कह रहा है भैया व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू जो आपने स्क्वायर रखा उसके साइड क्या 10 सेंटीमीटर है और वो इसी वाई जेड प्लेन में अगर वाई जेड प्लेन में है तो इसका एरिया नॉर्मल कहां पे होगा एक्सटर्नल होगा बोला एक्सटर्नल अब भाई ये होगा ये देखो ऐसे वाई जेड प्लेन में ये है वाई ये है जेड तो ये वाई जेड प्लेन होगा ठीक है तो उसके किसका लॉग है इसका एरिया नॉर्मल एक्स का लॉग है तो ये किसका लॉग है इधर में आई क्या लिख दिया एरिया नॉर्मल एरिया नॉर्मल की डायरेक्शन क्या भैया आई क्या क्योंकि ये एक्स का लॉग है ठीक है कह रहा भैया जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या एक्स का लॉग बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 3×10^(3)। गेट कीपर प्लीज गेट बंद करो आगे चैप्टर भी चालू के बारे में कोई आज इसलिए आने चालू है ठीक है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या भैया आई के लॉन्ग में और एरिया नॉर्मल की डायरेक्शन भी क्या भैया आई के लॉन्ग में ठीक है आपको क्या निकालना है फ्लक्स निकालना तो आपको पता है एरिया नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है यानी यहाँ पे एंगल कितना बनने वाला है जीरो क्या बनता भैया तो फ्लक्स का फॉर्मूला अपन के पास क्या भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कॉस थीटा ठीक है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल तो भैया आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा 3×10^3 एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा क्योंकि आपको पता है साइड इसकी प्लस सेंटीमीटर बोलो तो 0.1 मीटर हो गई और 0.1 × 0.1 क्या आ गया एरिया का 0.0 1 मीटर स्क्वायर ये भैया ये एरिया हो गया और एंगल आपको पता है एरिया नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या भैया सेम है जब दो चीज की डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल क्या होगा जीरो और जीरो तो ये क्या हुआ इसकी मल्टीप्लाई तो करना आता होगा आपको फ्लक्स आ जाएगा बोलो हाँ आगे फ्लक्स अब इसका दूसरा पार्ट देखिए इसका दूसरा पार्ट कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इट नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस देखिए मैं क्या कह रहा है कह रहा भैया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लॉग है एक्स का लॉग कह रहा है अगर जो इसका नॉर्मल है वो एक्स के साथ कितना एंगल बना दे 60 डिग्री का कितना बना दे 60 डिग्री डायग्राम नंबर 2 दिखा देते हैं आपको कैसे बनेगी अच्छा से ये भैया आपका एक्स है ये आपका वाई है और ये आपका क्या है एक्स तो कह रहा है इस बार जो एरिया है एरिया का जो नॉर्मल था वो क्या भैया इस बार ही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यानी कह रहा है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ है एक्स के साथ तो अगर एक्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ 60 बनाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी कितना बनाएगा 60 बनाएगा तो ये क्या होगा 60 डिग्री क्या हो गया भैया 60 डिग्री इलेक्ट्रिक नॉर्मल एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी भैया इक्वल्स टू 3×10^8 आई मतलब एक्स का लॉग है ये न्यूटन पर कूलम ठीक है और साइड क्या भैया 0.1 मीटर और उसके बाद अब यहाँ पे फ्लक्स निकालो तो फ्लक्स क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और कॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है ना 3×10^3 एरिया का 0.0
वन और कॉस कितना हो गया नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हेलो भैया तो ये हो गया भैया आपका क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था क्या फ्लक्स के ऊपर बेस था आप काफी सारे क्वेश्चन करते हो मिटो तो फोटो ले लीजिए भैया प्यारी सी प्यारी सी फोटो ले लो जो जिसकी बढ़िया फोटो है केवल उसी फोटो में नाम लिख के भेजो मैं दिस फोटो खींचिंग बाय खींचड बाय दिस फोटो इज खींचड बाय सुन रहा है क्या रक्षित सुन रहा है एक आप नहीं तो अब तेरे एक्सेंट पर रखा चल मैंने मांगी थी मेरे से कभी गाड़ी ऐसी तुम की मांगा तेरे को तो लगता है तुम्हारी आते ये सब चीजें आपने बताया भाई अगला क्वेश्चन करते हैं ठीक है समझ गया मिट्टा लो मिट्टा हो गया फोटो खींच ली सारे फोटो लेना एक ही लेना नहीं भैया अगला क्वेश्चन क्या रहा भाई जी यादव केस कह रहा भैया व्हाट इज द नेक्स्ट फ्लक्स थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 1.15 टू द क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन ठीक है भैया ये आई थी आता है कह रहा भैया अगर उसको पूरा पैरेलल मतलब उल्टा कर दिया से जैसे करा उसको ऐसे कर दिया तो एंगल कितना हो जाएगा 180 क्या हो जाएगा वहां समझ गया भैया तो कोई दिक्कत तो नहीं है फ्लक्स आएगा लेकिन उतना जाएगा लेकिन नेगेटिव छोड़ दो उसको कर लेना आप लोग घर पे लिख लेना HW क्वेश्चन नंबर 16 HW क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी ध्यान दीजिए भैया केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स बॉक्स दैट द नेट ऑफ द फ्लक्स टू द सरफेस इज कितना भैया कुल फ्लक्स कितना है 8 गुणे में 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर ठीक है ये आता पहला क्वेश्चन कह रहा है चार्ज कितना एनक्लोज्ड है कितना चार्ज एनक्लोज्ड है अगर एक क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है एक क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो कह रहा है क्यूब के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है तो भैया आपको पता है क्या कि भैया फ्लक्स होता क्या है एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन में जब कुछ नहीं बोलेगा तो एब्सोल्यूट ले लो ठीक है भैया चलो तो एनक्लोज्ड चार्ज कितना उच्च है एप्सिलॉन नॉट इनटू द 5 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12 ये क्या हुआ एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या 5 की वैल्यू रखी है 8 इनटू 10 टू द पावर कोई दिक्कत नहीं होगा पहले कुछ गलत तो नहीं किया कुछ गलत तो नहीं किया चलो अगला क्या है भैया बी इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स बॉक्स के थ्रू 0 है भैया अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स बी पार कर भैया अगर बाहर की तरफ जो फ्लक्स निकल रहा है यदि वो 0 है तो बताइए कि क्या उसके अंदर कोई चार्ज है या नहीं है अगर किसी बॉडी के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो इसका तात्पर्य क्या है बता बढ़िया चार्ज है देखिए भैया चार्ज डाइपोल होने की वजह से नेट चार्ज क्या हो गया 0 और उसकी वजह से नेट फ्लक्स क्या हो गया कोई दिक्कत नहीं बाबू आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18
अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा, बड़े प्यार से सीधा बोल रहे क्वेश्चन में, कह रहा भैया एक स्क्वायर वाला स्क्वायर प्लीज है, इसकी जो भुजाएं हैं वो 10 सेंटीमीटर की है, कितनी है? तो कह रहा है इसका सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, कितने सेंटीमीटर? 5 एक पॉइंट है, क्या कह रहा है? समझ गए? क्या कह रहा है कि यहां पर रखा हुआ है 10 ग्राम चार माइक्रो ग्राम, क्या रखा हुआ है? बताइए नीचे वाले केस से कितना फ्लक्स है, कितना फ्लक्स है, व्हाट इज द फ्लक्स टू दिस, जो भी आपका स्क्वायर वाला सरफेस है उसको यहां से फ्लक्स निकालना है। आई कैसे करेंगे, दिमाग का काम करना बंद, अब भैया ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, दस या सर्विस खींचेंगे, क्या करेंगे? ये खींच दिया हाँ हाँ हो गया, अरे यार क्या है, नहीं 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 अच्छा चलो, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, इसके बेस से 4 आपको निकालना भैया, इस वाले जो सेंटर पार्ट है ना इसके थ्रू फ्लक्स निकालना, ऊपर वाला जो केवल सेंटर पार्ट है यहाँ पर, और बाकी जो ऊपर है कुछ भी नहीं है, ऊपर क्या है खाली, लेकिन मैंने ऊपर वाला बनाया क्यों, गॉसियन सरफेस, अगर मैं गॉस थ्योरम यूज करूंगा तो 4 शुड बी एनक्लोज्ड, क्या होना चाहिए, अगर केवल नीचे वाला फेस होता तो 4 क्या ओपन है, और वहां पे गॉस थ्योरम अप्लाई, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमने ऊपर वर्चुअल साइड्स ड्रॉ कर दी, ये भैया एक फेस नीचे था, बाकी 6 फेस लाके 5 फेस लाके मैंने साइड के ऊपर रख दी, 4 फेस दाएं बाएं और एक फेस ऊपर, ताकि क्या बन जाए, अब भैया क्या कहता है, V norm क्या, फ्लक्स क्या होता है, Q upon में आप सारे पर बोलो हाँ, ये होता है, ये टोटल फ्लक्स होता है, ये क्या होता है, डेढ़ा पीडीपी का ये है क्या, ये तो मेरे लिए क्या है, 10 माइक्रो ग्राम प्लस प्लस 10 माइक्रो ग्राम है, क्या है भैया, 10 माइक्रो 10 to 10 to the power माइनस 6 है ना, माइक्रो हो गया, और 8.85 × 10 to the power क्या हो गया भैया, माइनस ये हुआ कुल फ्लक्स, अगर इसकी सारी साइड होती तो इतना फ्लक्स होता इस क्यूब का, लेकिन हमें पता है 5 तो है नहीं यहाँ पर, देखिए 5 तो हमने लाकर रखी है, एक ही है, इसका मतलब 1/5 पार्ट ऑफ फ्लक्स हो गया, अबे 6 1/6 पार्ट 1 छठी साइड पे ही होगा इसको, ठीक है भैया, तो लेकिन यार कुल फ्लक्स तो इतना हो गया, अगर ट्यूब पूरा होता तो कुल फ्लक्स इतना होगा, लेकिन हमें पता ट्यूब का ही जो ये साइड है, मतलब इसका केवल छठे पार्ट पर ही है, ठीक है भैया, डन कर सिंगल फेस, सिंगल फेस क्या हो गया, कुल फ्लक्स का छठा पार्ट, कुल फ्लक्स का, कुल फ्लक्स का आपको इतना है, उसका सिक्स पार्ट करो, कर लो बेटा, कर लेगा, कर लो भाई, अब इसकी वीडियोग्राफी करो, फोटोग्राफी करो इसकी, इस बार आज जो पेपर हुआ आज बड़ा सुखद पेपर था, कई दिनों बाद मेरे दामन में खुशी आई है, मैं पूरा छाप दिया पेपर, कल रात को ही मैंने बता दिया था, वैसे क्वेश्चन पूरे रात के बताए, अब ना 5 बच्चों के तो पूरे में तो पूरे आने चाहिए कम से कम, तेरे भाई ने जब सुपना पड़ा था ना पूरे में तो पूरे आने का, तब मैंने उसको बहुत मारा, रिजल्ट के बाद 98 नंबर थे उसके बीच में, फिर मैंने उसको कह रहा भैया 98 नंबर तीन चार मारा, वो हमेशा ही उसका नंबर पता कितना, 70 में से प्री बोर्ड में 69
ऐसे नंबर के अभी एक नंबर इधर खड़े आकर ज्यादा नंबर और मैं वही तो उसके इतना नंबर आने कुछ नहीं तो कुछ पर पता एक नंबर उसके आने से आते अब तक का मेरा सबसे उधार भर था मैं भी और आज 2018 में था ये बेटा ये 18 क्वेश्चन ही था क्वेश्चन नंबर 18 ये क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट बॉयज क्लियर है क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट है यार छोड़ ना क्वेश्चन करके समझ आ गया खत्म कर अब मिट हो जा अपनी वीडियो निकाल लेकिन तेरा छोटा भाई की बरसी हो नहीं बरसी क्या कहते हैं क्या कहते हैं छोटे बच्चे की बरसी क्या होती है नाम करना है नाम करना है मेरी मम्मी पहले नाम के लिए घूमने को आ गया दिक्कत आ गई थी पता इसका छोटा भाई अभी याद हुआ हमारा कितना जीत गया नहीं नहीं अबे गीला तारीफ करूंगा मैं आपको पूछूंगा पूछो कह रहा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा भैया एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोग्राम का डिसाइड सेंटर ऑफ द गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर उसकी साइड से ठीक है भैया व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना है ये क्वेश्चन है बच्चा पता क्या सोचता है यार 9 सेंटीमीटर भी रखा है अच्छा भी रखा है 9 सेंटीमीटर फालतू में तो नहीं रखा हुआ था भाई ये न्यायिक बेकार क्वेश्चन है एक्सेस डाटा क्वेश्चन जाते हैं इसको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है अब भैया जब गॉसियन सरफेस है मतलब चारों ओर से बंद अगर चारों ओर से बंद तो अभी सेम साइज से क्या मतलब हमें तो क्यू से मतलब है उसके मीडियम से मतलब है वो हमें दिया है बॉडी कैसी दी हो ठीक है लगता है भैया और तो क्वेश्चन 19 चार्ज एनक्लोज चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन अगर कोई तो आंसर आ गया ये कब क्वेश्चन तो जब आप गॉसियन सरफेस बोल दिया जाए गॉसियन सरफेस की शेप और साइज पर क्लोज डिपेंड नहीं करता बॉडी चाहे इतनी बड़ी हो चाहे इतनी बड़ी हो फ्लक्स आपका हमेशा क्या रहेगा समान रहेगा क्या होना चाहिए शर्तें क्या है कि दोनों चार्ज बॉडी के अंदर मीडियम क्या होना चाहिए दोनों बॉडी के अंदर सेम मीडियम होना चाहिए और दोनों के अंदर सेम चार्ज एनक्लोजर समझिए ना चार्ज अब कुछ भी कर दो माइक्रोकूलर देखो भैया दो माइक्रोकूलर आई हैव नॉट गया 8.85 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 आगे बढ़ते बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कह रहा है पॉइंट चार्ज कॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहा है पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया हमारा कितना -1 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ठीक है भैया कह रहा भैया टू हाँ कितना है टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या हमें मतलब है इससे कुछ नहीं हमें मतलब है हमें तो मतलब ही नहीं ना गॉसियन सरफेस तो गॉसियन सरफेस की शेप और साइज से मतलब नहीं होगा भैया पहला पार्ट क्या बोल रहा है फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है भैया कह रहे बच्चों लोग कि इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल तो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस कह रहे भैया जो 10 सेंटीमीटर है इसको 20 सेंटीमीटर कर दो तो अभी बताओ कितना फ्लक्स पास होगा अबे इतने तो फ्लक्स पास होगा शेप और साइज पर डिपेंड करती नहीं है यही तो बच्चों कंफ्यूजन ये तो पक्का लिख के आया था ये लिख देगा डबल हो जाएगा डबल सरफेस की शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता किस पे डिपेंड करता भैया
अच्छा ये बताओ किस टाइप का चार्ज इंट्रोड्यूस किया बॉडी ने अपने अंदर, किस टाइप का चार्ज इंट्रोड्यूस किया बॉडी ने अपने अंदर? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के सब फ्लक्स आउटवर्ड रहता, आउटवर्ड फ्लक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव चार्ज के सब फ्लक्स इनवर्ड रहता है, और इनवर्ड फ्लक्स क्या होता है? नेगेटिव। बताया था मैंने, अगर वीडियो देखते हो तो ऑनलाइन वाले तो भैया फ्लक्स क्या रहेगा? फ्लक्स पहले केस में है, दूसरे केस में फ्लक्स क्या रहेगा? सेम। तो दिक्कत नहीं बेटा, स्टेटमेंट क्या होगी कि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट। क्या हो भैया, सुनिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगला कर रहे बेटा क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर। कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्या है कंडक्टिव होने का क्या तात्पर्य बताइए? क्या होगा कि हम जो चार्ज देंगे वो क्या होगा? पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली। अगर नॉन कंडक्टिंग होता तो चार्ज क्या होता? एक ही जगह पे रहता, पता है? ठीक है, लेकिन हमें पता है भैया कंडक्टिंग है, तो इसलिए चार्ज एक जगह पे स्टेशनरी पूरी बॉडी पे क्या होगा? फैल गया। अननोन चार्ज, इसके ऊपर अननोन चार्ज है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर स्फीयर इज इतना। कह रहा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड देखी गई कितनी है? 1.5×10³³ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर आपको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिली? कह रहा भैया चार्ज बताइए, क्या है इसके ऊपर कितना चार्ज है? क्या कह रहा भैया इसके ऊपर कितना चार्ज है? नेट चार्ज 19 पे। कौन कैसे करें भैया आप बता के चले? भैया मैंने सेकंड लास्ट का एप्लीकेशन परसों वाली क्लास में, आप पीछे तो परसों वाली क्लास में एक एप्लीकेशन कराई थी कि एक स्फेरिकल बॉडी है, होलो कंडक्टर है, ठीक है भैया, होलो कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी भाई चार्ज कर कितना है? ठीक भैया, तो मैंने आपको बताया था रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर है, और आप कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो? 20 सेंटीमीटर, मतलब जो भी पॉइंट होगा वो क्या आउट ऑफ द स्फीयर, और आउट ऑफ द स्फीयर के केस में स्फीयर एक्ट एज अ पॉइंट। याद आ गया? हां, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? d = k q / r। बेटा जब स्फीयर एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज तो उस केस में आपका स्फीयर खुद कैसा बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता दीजिए। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखी है? d क्या रखी भैया? 1.5 × 10⁻¹⁹ लेकिन करने पे बहुत आसान है, गर्दन हिला के पढ़ना होता है। अब क्या खा रही है? स्वीट्स वाली खा रहे क्या? छोड़ दी मैंने, 3 दिन छोड़ के रखी स्वीट्स वाली, तो 2-3 पैकेट मिल गए स्वीट्स वाली को, मम्मी धोरी थी उसके बाद पैंट की धक्की बाहर करके पूरा पूरा पैंट कर दिया। तेरे पापा की दुकान में बैठता था मैं, तेरे पापा को खिलाते रहते थे। पानी नहीं है।
at distance equals to mv square. हम तो ले लियो अरे यार तो नहीं माइक चेक करना पड़ेगा एक दो अच्छे से कंप्लीट करते हैं आपको वीडियो को धुंधली पास किया हां अरे मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग पर कैसे आता है अरे रिकॉर्डिंग वीडियो ना जान उसके अपनी क्वालिटी को करके बाकी आप से वीडियो को क्वालिटी नहीं वो तीन वाली नहीं 720 क्वालिटी है मूवी थोड़ी देख रहे तू पढ़ाई कर रहा है भाई अगला क्वेश्चन पे आइए भाई जी प्लीज अगले क्वेश्चन पे समझ में आ गया क्वेश्चन चलो भैया क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ठीक है भैया क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ठीक है भैया डायमीटर कितना रखा था 2.4 मीटर तो रेडियस क्या हो गया 1.2 मीटर बड़ी कितनी बच्चा कह रहा है इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है कितनी है क्वेश्चन 22वां कितना रेडियस रखा है तो भैया स्फीयर की जो रेडियस रखी है तो उसका सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो 4πr² 4πr² भैया 1.2 तो है ना तो इसको सॉल्व कीजिए आपका क्या गया चार्ज आ गया क्या गया चार्ज और उसके बाद आपका फ्लक्स निकाल दो शीट थोड़ा देख रहे हैं नहीं उसका है बाबू ये शीट थोड़ा देख रहा है स्फीयर देखो के भैया तो सिग्मा आ गया अब ये आपको फ्लक्स निकाल दो फ्लक्स क्या हो गया q / में तो q क्या है भैया भैया देखिए इसमें कह रहा है कि चार्ज कहां पर है स्फीयर पे कहां पे है और आपको बोल रखा है फ्लक्स भी निकालो स्फीयर पे इसका मतलब आपको पता है क्या बोल रखा है इसमें ये बोल रखा है कि जो स्फीयर है उसके ऊपर अगर आप फ्लक्स निकाल रहे हो तो जो गॉसियन सरफेस आप बनाओगे वो स्फीयर की रेडियस के बराबर की रेडियस वाली होगी समझे मैंने आपको बताई थी अगर स्फीयर के ऊपर का फ्लक्स निकालना है जिसके ऊपर चार्ज है याद है वो लोग कंडक्टिंग स्फीयर कराया था इस सॉलिड में तो जो गॉसियन सरफेस बनाई थी वो क्या थी उसके साइज के बराबर थी ये भैया तो जब भी ऐसा बोले क्वेश्चन में सामने से कि भैया स्फीयर की सरफेस पर ही निकालो फ्लक्स तो इसका मतलब आपको वो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए बोल रहा है जो कि जिसका साइज क्या भैया स्फीयर के साइज के बराबर समझ गया तो ये क्या होगा क्यों क्या है भैया क्यों क्या ये निकाल लिया आपने एप्सिलॉन सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा क्यों क्योंकि वाली आपको कर दी हेलो बे फटाफट से अगला क्वेश्चन देखिए ए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा भैया इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस द फील्ड इतना एक इनफाइनाइट लाइन है मतलब एक इनफाइनाइट लेंथ है ठीक है भैया और जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की कितनी बारी है इज इक्वल्स टू 9×10⁴ न्यूटन पर ग्राम ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने कौन एक वायर लाइन मतलब क्या भैया वायर मतलब चार्ज वायर
कह रहा भैया एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना भैया 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा भैया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लिनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा की वैल्यू निकालो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे याद है? देखो हाफ पैर का आप जाते हैं तो क्वेश्चन देख के बच्चों की बीएससी और आती नहीं है। देखो p इक्वल्स टू में लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ थिन चार्ज वायर, वी हैव लॉन्ग वायर टू दे। तो भैया अभी तो हमको तो पता ही नहीं है टू लगा हुआ, हमने क्या किया 200 पर डिवाइड करके 4 करके 200 पर डिवाइड मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, तो e कितना रखा 9 * 10 टू द पावर 4, 2 लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या थी भैया 9 * 10 टू द पावर 9, और रेडियस कितनी भैया काल रखा है लगभग भैया लैम्डा निकाल लोगे 200 तो कैल देंगे ठीक है, लैम्डा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, फटाफट करते इस बार सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन में सारे ए टू जेड करा दूं, ए टू जेड। बहुत टाइम है यार हफ्ते में 5 दिन 5 घंटे बैठा, बहुत बड़ी बात होगी ऑफलाइन बैठा ऑनलाइन नहीं। अब आप दूसरा नहीं 3 असाइनमेंट बैक टू बैक आएंगे अब आप करवा दूंगा फोटो स्टेट वैसे तो रिफ्यूज तो आई नहीं मेरे पास अब तक। आपकी गलती है मामा, आपका सारी मांगे अच्छे रखना, मैंने बात कर लिया विकास डे से, तो उन्होंने बताया कि 10th की जो क्लास है वो डीटीएस में 4 से 5, आप यहाँ पे 4 से 5 लेना, आपको भैया वहाँ पे ले साइन में पढ़नी है, उसको पढ़नी है आपने कर देना ऐसी लाइन कंफ्यूज हो जाए ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक दिन आएगा एक दिन नहीं लेकिन आपने तो केमिस्ट्री क्लास ली, फिर मतलब चलो एक घंटा बैठेगा बैठेगा हो गया अब मिटो। ये स्वास्थ्य को अपनी शक्ति होगा कमेंट हो गया, इसको अपनी शक्ति हो कमेंट हो गया बहुत ज्यादा कमेंट बोल रही देखिए भैया देखिए भाई भाई प्लीज छोड़िए ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए भैया टू थिन मेटलिक थिन मेटल प्लेट्स पैरेलल टू क्लोज ईच अदर ऑन ऑन देयर इनर फेस द प्लेट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी 17×10^-12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। कह रहा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। ए क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया 24। कह रहा भैया तो प्लेट है क्या है इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या 17×10^-22 कूलम पर मीटर स्क्वायर और इसके पास क्या दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी -17×10^-22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है ना। कह रहा है ऐसे दे रखा है कह रहा है ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो अगर आपको याद होगा तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया 0, अब तो सेम अपोजिट चार्ज वाली प्लेट की वजह से कॉर्नर यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं दिया 0 केवल आ रहती है बीच में याद होगा अगर आपको दिमाग में कुछ प्रॉब्लम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी उसमें सिग्मा और फॉर्म में एप्सिलॉन बन सिग्मा आपको पता है किसी एक प्लेट का है तो 17×10^-22 अपॉन में एप्सिलॉन की वैल्यू का 8×10^-5 फॉर्म कर लीजिए आंसर कोई दिक्कत नहीं। जल्दी करो भैया और अच्छा देखिए कितना आसान है एनसीईआरटी क्वेश्चन यार
ले भैया ओए देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 25 का ठीक है संडे को भी कराऊंगा एक तरफ से संडे को पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है आप पढ़ना तो ये आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम लेंगे ठीक है अब संडे को करा दूंगा मैं संडे को तो क्लास लगेगी आपकी प्रातः 8 बजे से लेके 9:30 बजे और 9:30 बजे से लेके 11 बजे बस दो बजे सुबह और मैं बता दूंगा ओए ये सारे बच्चे 8 बजे आएंगे चलो 8:30 बजे चलो ठीक है 9 से लेके 10 1 घंटे में जाएगा ठीक है और 10 से लेके 11 ठीक है अब वो एक कंटिन्यू चाप ठीक है तो एनसीईआरटी सब प्लीज प्लीज लेके आना वैसे आपके पास किसी के पास एनसीईआरटी नहीं होगी मुझे लग रहा है नहीं है तो फोन में आप डाउनलोड करो नहीं है तो फोन में आप क्वेश्चन पेंडिंग सीरियल ठीक है ओए क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए ओए क्वेश्चन नंबर 26 अभी करा दो या ज्यादा जल्दी हो जाएगा कौन सा डायग्राम सही है और कौन सा डायग्राम क्या भैया गलत है ना तो भैया पहला डायग्राम क्या गलत है पहला डायग्राम लिखो क्या गलत है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है टेढ़ी मेढ़ी पिछले परपेंडिकुलर होनी चाहिए ठीक है दूसरा डायग्राम क्या भैया गलत है क्योंकि पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव आ रही ठीक है लेकिन फिर नेगेटिव से निकाला नहीं है ये बार बार ऐसा ही कर रही है इसका मतलब क्या है गलत है अगला वाला डायग्राम क्या भी है सही है क्योंकि पॉजिटिव से निकल रही है पॉजिटिव के अंदर नहीं जा रही दूसरे को रिपेल कर रही है ठीक है और यहाँ पर देखिए भैया ये क्या भैया ये भी गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती ये असंभव बात है क्या है असंभव है ये इलेक्ट्रिक ये डायग्राम क्या भी गलत है ये भी डायग्राम गलत है बाबू लास्ट वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती प्लस से जाएंगी माइनस में खत्म हो जाएंगी चक्री नहीं बनाएंगी चक्री बनाने वाली चीज का एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आपको नहीं पता होता एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड्स अराइज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज लेकिन अगर क्लोज लूप बन गया तो ना तो हमें इसके पैदा होने का पता है ना ही इसके मरने का पता ठीक है भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो रहा है जो ब्रह्मांड में कोई चीज आती है वो जरूर खत्म होती है मिलते हैं अगली क्लास में जय हिंद जय भारत कल नहीं आना कल छुट्टी है मौज करो बेटा और अपने दोस्तों को बोलना मंडे से चालू हो रहा